हाय व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ फियाज फरीद। बताना चाह रहा हूँ जिसमें कोई भी मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आज के दिन मैंने तकरीबन 40 किलोमीटर बाइक पे सफ़र किया हेलमेट पहन के, ताकि हवा ना अंदर जाए डायरेक्ट। ठीक है, कॉटन वगैरह रख सकते हैं अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कान के अंदर 4 से 5 इंच की लंबी पट्टी थी जो कि तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी थी, वो भी उन्होंने निकाल दी है कल। और इसके अलावा स्टिचेस भी ओपन हो चुके हैं। और जो पानी नीचे बह रहा था उसका रीज़न ये था कि जो लास्ट पे स्टिचेस थे वो सही लगे नहीं थे डॉक्टर से, ठीक है, जिसकी वजह से पानी निकलता रहता था। तो कल मैंने किया ये है कि कॉटन को पायोडीन से सही तरह लगा के उसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर टेप से उसको यहाँ पे लगा दिया, तो उसके बाद वो निकला नहीं है पानी। तकरीबन 6 घंटे मैंने उसको रखा है यहाँ पे लगा के। उसके बाद जब मैंने खोला उसको तो कोई भी पानी नहीं था निकल रहा, कुछ भी नहीं था, ठीक था। लेकिन मुझे हल्का हल्का सा ना वो फील हो रहा था, जैसे चुभता था, लेकिन उससे ठीक हो गया। अब काफ़ी ठीक है, इधर से आप देख सकते हैं, और कान भी ठीक है, साउंड भी मुझे आ रहा था। आज मैंने थोड़ा सा उसको चेक किया हैंड फ्री लगा के, थोड़ा सा इधर तेज़ साउंड नहीं, हल्का सा साउंड मैंने चेक किया। जितनी आवाज़ मुझे इधर आ रही थी उतनी ही इधर आ रही थी, कोई इशू नहीं है। सो हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये कान थोड़ा सा मेरा बाहर है, ये कान अंदर है, बस यही थोड़ा सा इशू है, और कोई भी इशू नहीं है। सो वेट मैं अभी ज़्यादा नहीं उठा रहा, और पानी जो है, पानी तो इसके लिए जहर है। पानी के अभी मैं करीब नहीं जा रहा, मतलब पानी इसको नहीं लगा रहा, फुल बॉडी पे लगा लेता हूँ, फेस को साफ़ कर लेता हूँ, इसको रुई से कवर करके ऊपर मैं पॉलीफेक्स वगैरह लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी इशू है, कोई भी बात है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।